रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन के टू टीवी एवटाबाद सेंटर तू प्रोग्राम सोना देस हजारा किन के एक बारी फिर तुसा दे खिदमत विच हाजिर हां ते मां आखदी जी नसरीन खलील जिस वेले भी तुसी मां देखते हो ते मेरी दिली दुआ होंदी है कि तुसी जिथे भी रहो खैर खरीयत नाल रहो खुश खुशहाल रहो ते बिल्कुल खैर खरीयत नाल ठीक ठाक रहो ते अगर नहीं भी है तो फिर भी अल्लाह ताला को मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुसा सारे आवड़े हिफ्ज़ो अमान विच रखे तुसा दे हर कमे विच आसानियां पैदा करे ते तुसा दुनिया विच आसानियां बढ़ने वाला बढ़ावे जी। मेरे जी को होस्ट जेड़े होंदे ने सुमारे हैं तुसी देखते हो जी उसामा इफ्तिखार उन्हें मैं हर कदे आओ आखनी है हर कदे आओ जी आया बिल्कुल आवा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तुसा दा होस्ट उसामा इफ्तिखार, तुसी देखते हो सोना जिहा प्रोग्राम सोना दे सजारा नसरीन खलील ते उसामा इफ्तिखार दे नाल। देखो अज नसरीन माशाल्लाह जिहड़े साढ़े सामने चाबी पई है बिल्कुल सुबह दा बहुत जबरदस्त ताजगी दा एहसास हुंदा है ते अज मैं काफ़ी फ्रेश फ्रेश भी फील करना क्यों ना करा बिल्कुल कर सी साढ़ा हजारा माशाल्लाह मौसम भी इतना सोहना है हजारे का कई जितना कुछ आखना इन्हों के बाद बहुत ही कट है तो अपने नाजरीन में जी हरकत आओ आखना जी आया आखना सुबह बखैर आखना गुड मॉर्निंग आखना तो नाजरीन जिस तरह असं हमेशा अपने सोने जे मेहमानों नाल तुसां दी खिदमत में हाजिर होने इसी तरह ही अज भी असं बहुत जबरदस्त मेहमानों नाल तुसां दी खिदमत में हाजिर हाँ जिन्हों का तारफ जिन्हों का इंट्रोडक्शन करवा सकते तुसां नसरीन। इंट्रोडक्शन को पहले उसामा मैं थोड़ा जा जो बैकग्राउंड है वो दसना चाहता अपने नाजरीन के जिस वेले असी औरत ते मकाम ते मर्तबे की गल करने ते कुरान जिस वेले आया उस वाजे कर दिता कि इस्लाम बिच औरत की कदरों मंजिलत के वे वो जड़ी एक दुनिया दे जुल्म सतम तले दब गई है उसा इस्लाम सुनो कदर व मंजिलत दीती है जिसकी मिसाल किथे नहीं मिलती। अगर असी आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत तैयबा का मुताला करा तो ऐसा नज़र आता है कि हर जगह उन्हें सुन औरत की तालीम और तरबियत उत्ते बहुत ज़्यादा जोर देता है। तो जिस वेले असी गल करने हैं जी आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तादाद अज़दवाज के मुतालिक तो उसका भी बुनियादी मकसद ये आ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते कि जेड़े उन्हां दी अज़वाज मुतहरात ने उन्हां दी तालीम और तरबियत इतनी अच्छी अंदाज विच होवे कि वह अगे जुल के दुआ दी रहनुमाई कर रखन। तो तारीख इस गल्लां दी गवाह है कि बहुत बड़े बड़े जेड़े साडे सहाबा गुजरे वह भी कोई भी अगर शरई मसला आता है तो अज़वाज मुतहरात को आंदे शरई अहकाम दी जानने वास्ते कि जी किस तरह असी कर सां। हाँ जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक और आदत ही कि उन्हें कोशिश होंदी है कि जी जितनी भी लोंडियां ने उन्हें आज़ाद करा के उन्हें दी तालीम और तरबियत ते बहुत ज़्यादा जोर दिते। उसकी खास वजह यही कि एक माँ जड़ी होंदी है वो जिस तरह सचश्मा होंदी है इल्म दा अपनी औलाद वास्ते उस कोलो बड़ा सचश्मा और कोई नहीं हो सकता। तो हुज़ूर सल्लम दी हमेशा ये कोशिश रही है कि औरत की तालीम तरबियत ते बहुत ज़्यादा रागब उन्हें कीता जुले ताकि एक मिसाली मुआशरा बने क्योंकि औरत जिस वेले एक एजा खानदान बढ़ाती है कौम बढ़ाती है वही जड़ी नस्ल आँदी अगे चुल के इतने ज़्यादा दुनिया में फैजयाब करती है। तो खवातीन के हवाले नाल जो असी गल करने तो यकीनन असी तां ऐसा पता चलता है कि अज मगरबी दुनिया जड़ा आखते हैं कि जी औरत आज़ादी होनी चाहिए उन्होंने एक मकाम है उन्होंने हकूक ने उन्होंने फ़राइज़ ने लेकिन असा ने इस्लाम सुन बहुत पहले कुरान मजीद में हर चीज़ वाजे कर छोड़ा है। तो खवातीन के मामले विचों के अज असा मौजू भी है तो असा जे गेस्ट ने वो भी असा दे अज खवातीन ही हैं और ना सिर्फ खवातीन बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट असा नाल मौजूद ने जी। खेलों की दुनिया नाल इन्हों का ताल्लुक है जिस तरह असा पता है कि इस्लाम जितनी भी औरतें या कुरान उन्हें बिल्कुल इजाजत दीती है कि तुसी समाजी कमां विच ते इस अलावा हद तक उसामा जिहड़े जंगी मैदान है उस विच औरतां वां इजाजत ही कि तुसी अपने मर्दां दे शाना बिशाना उन्हां नाल तुसी उन्हां दी हैल्प करो उन्हां दी मदद करो। ते अज भी असां दे जिहड़े खवातीन ने वह भी मर्दां कोलों किसी भी तरह पिछे नहीं वह भी उन्हां दे शाना बिशाना कम पे करदे ते जरूर असी वैसा लेकिन इह वे कोशिश सदी हो सी कि खवातीन के हवाले नाल मजीद गलबात उस नाल करा तो सुनो मुलाकात करो सदी जिहड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटीज अज असा नाल मौजूद ने जी। पहली जिहड़ी सदी गेस्ट ने उन्हां दा तारफ उसामा अगर तुसी करा छोड़ो जी जी श्योर जी। नाजरीन जी पहले साढ़े कोल बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद हैं और एथलीट भी हैं डिस्ट्रिक्ट लैवल से गेम्स करवादी भी हैं तो नैशनल लैवल से करती भी हैं इनशाला अगे जो मुहर्रम मुहर्रम तो बाद अपने अकेडमी खोलने की भी हामीन जनाब। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा
ਜਾਰਾ ਸਲੋਨੀ ਦਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਹਰਕਤ ਆਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸੌਰੀ ਹਿੰਦਕੋ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ दोबारा उर्दू ते चले गए अच्छा असा दी एक रवायत है वे कि जेड़ा बंदा इथे आ के उर्दू बोलदा है ना उसा असी सजा भी देनी है पनिशमेंट तो सजा देनी है ते ए ना होवे कि आज तुसी जेड़ा है वो बकरे बन जलो ते जी दुए गेस्ट जेड़े हैं उसामा उना दा भी तारा जी नाज़रीन जेड़े दुए गेस्ट हैं ओ भी एथलीट दी दुनिया तो वॉलीबॉल प्लेयर हैं जी वरदा नायन दा अस्सलाम वालेकुम हर कदे आओ अस्सलाम वालेकुम केजा लगदा है अज इथे आ के बहुत अच्छा लगदा पे है अच्छा ते थोड़ा जा अगर तुसी दसो कि इथे आए हो पहले भी किसी टीवी चैनल ते मौका मिला है तुसां जुड़ने दा नहीं नहीं पहली दफा इथे ते ऐसा बड़ा अच्छा लगा सी इथे आए हां अच्छा ते मतलब तुसी ये हवतीन मतलब इतना आगे जा के दसते पे हो सारे के मतलब के चीज ने माशरे विच हवतीन दी के वैल्यू है ते यकीनन जिस वेले असा दी खवातीन इतनी टैलेंटेड हो सन ते कोई ना कोई प्लेटफार्म होना जरूर मिल सी ते ए असा दी काविश होंदी है के टू टीवी दी के हमेशा असी कोशिश करने है के जेड़े ओ टैलेंटेड लोग जेड़े छपे दिन किधरे जिथे तक किसी दी रसाई नहीं हुई असा दी कोशिश होंदी है के असी उसे रसाई कर जी ते वापस असा अपनी पहली गेस्ट दी तरफ मां थोड़ा जा आपने एकेडमिक कैरियर दे बारे में दसो असा दे नाज़रीन मैंने स्कूल टाइम तो स्टार्ट लेता ना तुसा इनको विच गल करनी है असल विच ए ना होवे के असा दे नाज़रीन आए लगे जी ओ जड़ी दक्कन या लखनऊ दी रूह है तुसा दे अंदर मौजूद है ते उस रूह आ सकन है नहीं वैसे तो घर में असी ज़्यादा इनको ही बोलने हैं लेकिन ये कि फील्ड रह रहे के तो मतलब थोड़ा जा मेरे लिए प्रॉब्लम होंगे पे मैं स्कूल टाइम तो गेम्स तो करनी है पी अलहमदुल्ला नैशनल सतह तक गई हाँ इंटरनेशनल सतह तक भी गई हाँ थोड़ा जा अपनी एजुकेशन दा पहले दा एजुकेशन दा मैंने सिंपल एफ ए की है उसका कोई उदुआ नहीं कि मैं मतलब ज़्यादा स्पोर्ट्स से ही किते अपना मेरा पूरा पूरा रुझान मेरा इसते ही रहा और मतलब काफ़ी अगे तक गए हैं और अपना सरादी सरहद तो है नहीं खैबर पख्तूनख्वा दी पहली लड़की मैं ही है वहाँ जी नैशनल तक गई इंटरनेशनल लेकिन हले तक मैं ही है वहाँ पिछो कोई भी हले तक नहीं आई कोशिश कर रही हूँ मैं कि इंशाल्लाह लड़कियों अगे लैके आवा और काफी ज्यादा लड़कियां आ भी रही हैं ये माशाल्लाह तुसां दी बहुत जबरदस्त है ये जेड़ा तुसी कितनी मेहनत तुसां कीती है ते ना सिर्फ आपड़े वास्ते बल्कि तुसां उसामा एक गल नोट कीती है आहतन के मेरी कोशिश है कि दुनिया जेड़ी को हालांकि अक्सर लोग जिस वेले किसी बड़े मुकाम ते जुलदे नाज़रीन ते उनां दी कोशिश होंदी है कि जी और असा दा जूनियर कोई इत्थे तक ना आवे नहीं नहीं मैं इंशाल्लाह कीते कि मैं काफी ज्यादा कीता नेशनल तक लड़कियां गिन गईयां हूँ कोशिश है वे कि इंशाल्लाह अपने असन के प्राइम मिनिस्टर साहब नाल भी गल हुई दी है और जो लोकल हमारे असन के प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने भी हुई दी है तो मैं लड़कियों की अकैडमी का भी कर रही हूँ और इंटरनेशनल सतह तक भी इंशाल्लाह अच्छा तुसा दस्सो कि तुसा कुड़ियां खड़ा है नेशनल तक किस तरह कोई अकैडमी है तुसा नहीं नहीं मतलब स्कूल लैवल तो कॉलेज तो मतलब कीता है कि मैं कोचिंग भी करनी है अच्छा। कोचिंग करके और इन बच्चियां मेरे को फैसिलिटी कोई भी नहीं एकेडमी दी लेकिन हूँ अकबर अयूब खान और यूसुफ अयूब खान मतलब पिछले दो साल तो मतलब मैं आहतिन पे के सपोर्ट कर हां जी एक और ने हजरा ये ए हसन मिनिस्टर ने अच्छा मिनिस्टर ने अच्छा अकबर अयूब खान सही अच्छा वर्दा की तरफ आने तुसा को पुछसा पहले अपने एजुकेशन का एकेडमिक कैरियर अपना दसो फिर उस बाद स्पोर्ट्स में किस तरह तुसा आना होया मैं एमएससी भी करनी है एमएससी विच हेल्थ फिजिकल एजुकेशन में अच्छा माशाल्लाह ते स्पोर्ट विच मैं इन्हां नाल ही आई हां मैं बस कॉलेज विच इन्हां ने लड़कियां खड़ियां आई हां इसी तरह पेशावर असी गए हां कोई टूर्नामेंट है जी बिल्कुल ते उंजु मैं गई हां फिर मां भी थोड़ा शौक होया मैं है लड़कियां उंजु आगे जुलदियां ने ते फिर मैं भी इस विच आ गई हां अच्छा ते मेरे सिर्फ स्टार्ट है तुसा वॉलीबॉल या आई क्यों चूज कीता कोई और गेम नहीं तुसा दे ज़हन विच आई एक की जे फैसला इस तरह जे वॉलीबॉल मैं ज्यादा लड़कियां वॉलीबॉल खेलदा मतलब देखा वे ते मां बस वो गेम अच्छी लग गई है जी ते इस वजह से मां वो अच्छी अच्छा जिस तरह असा तो एक ट्रेंड बने दा जी दुनिया विच जिस वेले असी देखने आ जी गेम्स दे हवाले नाल असी गल करने आ कुड़ियां हर फील्ड विच ने
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਸੌਕਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸਾਮਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਖਾਲੀ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਤਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਹਰੀਪੁਰ ਔਰ ਐਪਟਾਬਾਦ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੇਮ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੀ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬੋਇਜ਼ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕਾਲਜ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਛੋੜਿਆ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਰੀਪੁਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਸਮਰਮਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਦੱਸੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਤੋਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਲੋਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸੋਰਸਿਸ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸਾਮਾ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਰਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆਖਦੀ, ਕੋਈ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਅਲਾਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲੇ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਵਰਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੇਮ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਮੀਨਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੈਰਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਐਸ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸੀ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੇਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਮੈਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਖਾਲੀ ਐਫ ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਾਪ ਸੀਕਰੇਟ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਮੇਰੀ 7th ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵੀ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਸਿਰਫ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆੜੂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਹਿਸਾਸਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕਮ ਏਜ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਸਮੇ ਹਰੀਪੁਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਲਾਕਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਬਾਈ ਵੀ ਹੈ,
और फिर मैं ज़्यादा टाइम घर भी दिता है। अलहमदुल्ला मैं एक अच्छी प्लेयर होने के नाल नाल अच्छी बेटी भी हाँ, अच्छी भैन भी हाँ वहाँ। शुक्र अल्लाह पाक दा कि अच्छी दोस्त है, मैं कुछ ना आख सकनी हाँ कि मैं अच्छी दोस्त है वहाँ या नहीं। और अच्छी सिस्टर भी है वहाँ, अच्छी आंटी भी है वहाँ, अच्छी फूफो भी है वहाँ। और शुक्र अल्लाह पाक दा घर का मसला आ गया आ, और ज़्यादा भाई का कि घर में फिर तो सब पता है असा लोग ने जिस तरह से माहौल ने कि असा अपने घर संभालने होंगे ने, गमी खुशी करनी होंगी, सारा वो सारा मेरे सिर आ गया है। बहुत कम एज में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा के फिर दोबारा कंटिन्यू कीता है अपनी अच्छा। गेम हाँ, इस वजह तो मैं एजुकेशन हाँ, कोई रोक टोक नहीं आई। मैं अपने उस खानदान की एक पॉइंट भी आया कि मैं अपने खानदान की मेल फीमेल च हूँ, मैं फर्स्ट मतलब फीमेल हाँ कि जो बहुत ज़्यादा आगे आई हाँ। अब हूँ माँ देख के मतलब टैलेंट इतना ज़्यादा आया कि माशाल्लाह मेरे खानदान डॉक्टर भी बनिया ने, सारी बहुत कुछ बन गया। वैसे मेरे खानदान पहले टेंथ तक बहुत मुश्किल शादी लड़की दी कर छोड़ अच्छा है। उसामा ये बड़ी गल होंदी है, पहला कदम चाणा बड़ा मुश्किल होंदा है, बाद विच ते अगर उना एक राह मिल जुले हां फिर ते दूजे मतलब काफी मेरे तो वड़ियां सीनियर लाइक मेरी सिस्टर कजन रिलेटिव, लेकिन माहौल दी और शायद उस दी होंदी है खानदान दी माहौल तो सदा भी ओए आ कॉन्फिडेंस ओए आ कॉन्फिडेंस टी भी है कि मैं जिस टाइम ते स्कूल सतह से गई हाँ मतलब सिक्स से गई हाँ, तो जो मेरी सिस्टर जो मेरी कजन डरी दी आई हाँ कह दी कि मतलब मामू को डर दी आई या अंकल चाचू को डर दी आई या नानू को डर दी आई हाँ, वो चीज़ मेरे अंदर उन्होंने नहीं की थी, मेरे अंदर वो डर उन्हें ही लोगों खत्म किए दाया, क्योंकि मेरी उंगली पकड़ के माँ जिस टाइम पर खड़े अपने नाल कोई हसी कोई मजाक कोई किसी किस्म की गल करते उन्हें ही लोगों जिन्हें उन्होंने अंदर खौफ डाले दाया उन्हें ही लोग मेरे अंदर खत्म किए दाया। फिर मैं उन्होंने अच्छा। शोल्डर नाल शोल्डर मिला के दे मैं खौफ की गल हुई वरदा तुसा कोलो पुछसा कोई ए जे तुसा मसले दा सामना करना पे है अपनी फैमिली दी तरफ कोई रिस्ट्रिक्शन कोई इस तरह कोई मसला होया तुसा कोई डिफिकल्टीज बिल्कुल हां ए सामने तुसा तुसा अच्छी तरह दस सकदे ने नहीं नहीं मैं चाह सही दसूं इना ज्यादा पता चल गया कि मैं किस तरह कितना खौफ मतलब फैमिली दा एवे जे सख्ती जिस तरह दी हुंदी है बेटियां ते ओ एवे लेकिन इस लेवल ते नहीं ना एजुकेशन ते वे जे तुसी एजुकेशन अपनी छोड़ दो जी ते इस किसी चीज से नहीं लेकिन ए मतलब एक लिमिट च रह के सब कुछ होवे ते इतनी एवे अगर किधर जुलो मतलब नाल ते नाल अम्मी या किसी नाल खर सकदे ना स्पोर्ट्स विच तुसी आयो इस स्पोर्ट विच ना ए मैं भी गल करनी स्टार्ट जिस तरह जिन्ने गल जी कीती है जिन्ने फैमिली विच मतलब आंदो फिर पिछे दे जुड़े होंगे उन्होंने तो कोई नहीं रहती ना जो एक निकल जुलता है सारा सख्तियाँ वही देख जुलता है। और सामा भाई आपके इनकी बात और आपकी बात के ये वो बच्चियाँ हैं जो बामुश्किल काइंडली इनको बोलेंगी प्लीज। अच्छा चले सही है नहीं मैं असल में जो चीज आप इनसे पूछना चाह रही है ये बताना नहीं चाह रही ऐसा इनको भी जैसा ना अच्छा सॉरी तुम इनको माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बोलते हो इस वजह से हाँ जी बोले वर्ता लेकिन पेरेंट्स पेरेंट्स इन्होंने साथ देंदे ने लेकिन बहुत मुश्किल नाल और वरदा दे बाबा जी ने बहुत मुश्किल नाल शायद एक खुद भी कन्विंस नहीं कर सकी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उन्होंने जिंदगी करे सेहत दे नाल लेकिन उन्होंने मेरी गल मान के अपनी बच्चिया नू अगे भेजे डिस्ट्रिक्ट सतह ते गिया ने मलक साद दा क्रिकेट भी करके आई ने जो वो मैंने दे पहला आया उसे भी ना पार्ट दोनों सिस्टर ने पार्टिसिपेट किया और वॉलीबॉल पेशावर भी गिया ने नौशहरा भी मेरे नाल गिया ने। कहने का मकसद ये कि बाज बच्चियां ये ने कि उन्हें घरों पहले तो पेरेंट्स ही नहीं अलाउ करते अगर वो कर छोड़ देन फिर उन्होंने जड़े मामू चाचा आंटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी रिस्ट्रिक्शंस होनी ए नसीन ए साडे इलाके विच बहुत ज्यादा है जिस तरह सी अपने हर प्रोग्राम विच ही जिक्र करने है कि खवातीन वास्ते जड़े है ना वो थोड़े जे रिस्ट्रिक्शंस उन्हें आप नहीं लाई दी होनी है बाकी लोगों से ज्यादा है लेकिन वही काम वो अपने बच्चों को करवा के नहीं लेकिन इन आदे रास्ते विच आ जुलदे ने और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कोई किसी किस्म दा मेरे वास्ते मेरे सामने कोई दुश्वारी नहीं हुई किसी किस्म दा कोई प्रॉब्लम मां नहीं होया मेरे वास्ते मैं बहुत सख्त खानदान दिया लेकिन शुक्र अल्लाह पाक दा। नाज़रीन एक गल मैं ऐड करना चाहता हूं कि असदे
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋਲੋਂ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਕਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਦਾਤ ਕੋਈ ਸਲਾਹੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੇ ਆਸੋਂ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਾਨ ਕੁਝ ਆਸੋਂ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਨਾ ਧਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਆ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜੁਲੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਹਾੜਾ 2013 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਗਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਚਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਲ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੋੜੇ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਸਟਾਰਟ ਨੇ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਅਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੇ ਅੱਛਾ ਔਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਆਇਆ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਨ ਕੇ ਜੁਲਨੇ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਉਹ ਛੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਸੋਰੀ ਛੋੜਿਆ ਉਸਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਏ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਟਾ ਰੇਲਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਸੁਣ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਮਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫੀਮੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੜੀ ਉਹ ਕਰਖਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਮਾ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਇਤਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੁਲੇ ਖੇਡਿਆ ਜੁਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰ ਕਿੰਨੀ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਕਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕਿ ਕਰ ਕਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣਾ ਖੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਲੀ ਜੁਲਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਜੁਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਂਝ ਮਤਲਬ ਮਸਲੇ ਆ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੂੰ ਝਾੜੂ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ ਤੋ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਾਲਤੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜੁਲਨੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਕਿੰਨੀ ਹਾਂ ਖੇਡ ਕਿੰਨੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਕਰ ਕਿੰਨੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵਰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਜੁਲਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਆਪਣੇ ਗੇਮਸ ਦਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਦਾ ਉਸੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸਰੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਮਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਪੀਸ ਹੋਵੇ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਕਰ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸਾਮਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਸ ਰਿਆਜ਼ ਛੋੜ ਦੇਵਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜਲਵਾ ਅਸਾਂ ਦੱਸ ਛੋੜ
ਫਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜੀ ਰੋਗ ਸਹੀ ਰੋਗ ਲਾ ਲਿਆਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਬਣ ਬਣ ਡਿੱਗਣ ਮੋਤੀ ਅਥਰੂ ਸੋਹਣੀਏ ਰੋਗ ਲਾ ਲਿਆਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਬਣ ਬਣ ਡਿੱਗਣ ਮੋਤੀ ਅਥਰੂ ਸੋਹਣੀਏ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਕਮਲਾ ਰੋਇਆ ਲੱਖਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਮੈਂ ਚੂੰ ਚੂੰ ਹੋਇਆ ਕਵੇ ਦਿਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸਜਣ ਦਿਲਦਾਰ ਤੂੰ ਸੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਰੋਗ ਲਾ ਲਿਆਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਬਣ ਬਣ ਡਿੱਗਣ ਮੋਤੀ ਅਥਰੂ ਸੋਹਣੀਏ ਦਿਲ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਡੰਗਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਿਲ ਬਿਨਾਂ ਲੰਗਰ ਡੰਗਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਵੇ ਦਿਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਸਜਣ ਦਿਲ ਦਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਕੱਟਿਆ ਕੀਤੇ ਰੁਲਵਾ ਦੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇ ਰੋਗ ਲਾ ਲਿਆਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਬੜ ਬੜ ਡਿੱਗਣ ਮੋਤੀ ਅਥਰੂ ਸੋਹਣੀਏ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਸਾਮਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਇਤਨਾ ਉਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਛੋੜੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਵਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਾਤੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਤਨੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਤਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਰਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਬਾਵਫਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਲਟ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕਦੇ ਆਈ ਨਾ ਲਿਆਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਨਸੀਮ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕ ਲਾਂਚ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਮੰਮਾ ਸੁਣ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਬਾਬਾ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਰੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਾਮਾ ਬਾਈ ਨੇ ਹੁਣ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੈਡ ਸੌਂਗ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਜੋ ਜਲ ਹੈ ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਆਈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹ ਮਤਲਬ 2.5-1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜਕੇ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਂਟੀ ਭਾਂਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਮੈਂ ਵਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਆ ਬੇਵਫਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਵਫਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡੀਆ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਵਫਾ ਨੇ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਘੜੀ ਆਸਤੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਲੜਕੇ ਦੀ ਖੈਰ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ਾਦ ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਅਗਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲੜਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨਾ ਕਰ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ
अपना कदम रखना चाहिए बेवफा होंगे ना हो कल के रो के जी ये हो गया वो हो गया तुसा भी एक शायरी लिखनी पवे मोहब्बत शुरू कर दिती है मतलब और जिस ये खाली इंफेचुएशन होता है असा लगता है कि कोई बंदा असा बहुत अच्छा प्या लगता है तो उस उत्ते असी मर मिटने ये जी गल नहीं होती मुहब्बत जी होती बड़ी खास स्टेज तो बाद बंदा सही जैसा सही माने में चाहते हैं तो नौजवानों आस्ते खास तौर पर गपशप असा लाइए खाली तुसा दसने आस्ते कि तुसी अपनी जिंदगी आ पहले डिवाइड कर छोड़ गए जी हूँ जरा असा का कम पहला ये कि असा स्टडीज करनी है उस तो बाद असा एक जॉब करनी है उस तो बाद असा जरा मोहब्बत करनी है। अच्छा एक कॉलर ने असा नाल जी देखे हैं क्या तीन उगी तो असा नाल ने अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हर के दयाओ जी क्या हाल चाल है तुसा दा खैर जी अच्छी हो ठीक हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह जी बड़ा जबरदस्त साडा प्रोग्राम चल रही है जी देखते हैं जी आते बाद बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई भी की बहुत शुक्रिया ते जेड़े भी असा नाज़रीन इस वेले असा देखते ने इंटरनेशनल असा दे व्यूअर्स ने असा दे नेशनल व्यूअर्स ने तुसा ए आसा है कि ए जेड़ी तुसा दी कॉल होंदी है ना ए एहसास ते एनर्जी दा कम करदी है ते बल्कि दुबारा कर छोड़दी है। अच्छा वापस आसा आपणे गेस्टी तरफ ते उसामा वा अज असी बोलने ता ना देंदे क्योंकि एक कुड़ी जान होंदी है जदका चुप कराने वास्ते ते अज ते असी मेजॉरिटी विच आ बिल्कुल। अच्छा वरदा थोड़ा जिहा मैं दसो कि गेम्स स्टडीज इस तो अलावा के पर तो सारे पर्सनल हॉबीज इंटरेस्ट के ने किस तरह थे मतलब स्टडी अपार्ट फ्रॉम स्टडीज एंड स्पोर्ट्स मतलब होर के तो सारे इंटरेस्ट ने मतलब शायरी है म्यूजिक के टीवी देखते हो के करते हो टीवी देखने या जो और एक खाना पकाना और गपशप कुड़ियां नाल हां कुड़ियां नाल ते गपशप बहुत ज्यादा ये तो हॉबी है ही है ना उसमें ये बहुत प्राउड है नहीं उसमें मैं इत्तेफाक नहीं करती ये बहुत प्राउड है बहुत कम लड़कियों से बातचीत करती है ये बहुत कम ज्यादा अपनी मामा सिस्टर या फिर मैं या अपनी एक भी गल अच्छी है सामने बड़ी अच्छी गल है यकीन करो आज दे मुआशरे विच मतलब तुसी अगर दोस्तों को दूर ही रहे हो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल बिल्कुल ठीक आ गए तुसी देखो इस मेरा साहब जड़ी है ना होना खफा कर दें ना ऐसा दो साइड थे बिल्कुल इक्वल इक्वल बिल्कुल गला असी जारी कर रखसा लेकिन ऐसा एक कॉल है सऊदी अरब तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या हालचाल है शुक्र अल्लाह पाक दा सामा भाई कैसे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी तुसी सुनाओ हरकत आओ शुक्र अल्लाह पाक ਕੋਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕੋਈ ਆਸੋ ਅਸਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਆਸੋ ਅਸਾਂ ਦੇ ਗੈਸਟ ਗੈਸਟ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਹੀ
थैंक यू सना भाई, कोई जाहिर है ना कोई माइया भी बोल छोड़ दे करो। हाँ जरूर जी जरूर, ठीक है इंशाल्लाह जरूर तो सर सुनाने आओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तो सासा नाल गल की असरी हौसला अफजाई की, बहुत शुक्रिया सऊदी अरब तो कॉल ही। जी नाजरीन वापस आने अपने गेस्ट की तरफ और जबरदस्त प्लेयर्स असा नाल बैठे दिन उन्होंने कोलो मजीद पुछसा। सुमैरा साहिबा तुसा कोलो मैं पुछसा, मैं दसो कि गेम्स जी होंगी है ये कुड़िया अंदर मतलब उन्होंने अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आन दी है? 100 में से 100 85 80। अच्छा जबरदस्त, असल जिस तरह मैं हालात और वाकयात बार बार सामने इस वास्ते रखनी है कि जिस तरह असने माहौल लड़कियों की शादी शादी खत्म होना, माँ बाप की डैथ होनी, जॉब नहीं होनी और फिर जिस तरह के बच्चों के बहुत ज्यादा मुश्किल ने, तो मैं 85% इस वास्ते बोला है कि मैं खुद अलहमदुल्ला मैं अभी मैरिड नहीं हूँ, तो मैं इस वास्ते भी ये आखनी हाँ कि जितने दुख मैंने देखे ने, जितनी परेशानियां मैंने देखिया ने, और एक गेम्स है वे जिसने माँ हले तक मतलब मेरा स्टैमिना और माँ मजबूत किया है कि मैं हर एक चीज का मुकाबला भी करना नहीं, तो जो कुछ मैंने देखा है जो कुछ मेरे नाल होए दे जो कुछ मैं मतलब बर्दाश्त भी करनी है, शायद कि मेरी जगह तुसी होते बहुत मुश्किल है, साइको प्रॉब्लम बन जुले तो सांस से बिल्कुल, और है और ये लाइव मेरे अपनी एक जानने लिए बची है, अगर मैं उसका कहनी है कि तू प्लेयर होवे हाँ थोड़ा जा, उसने एक मसला एक भाई का और मैं डिस्कस करना चाहता उस बच्चियां भी ठीक, अगर वो गेम से चाहे या उसका स्टैमिना उसका मजबूत उसा ए जड़ी टेंशन ना परेशानी ना वो वैसे जरूर मैं माजे चाहनी है मत अपना कैसी क्योंकि लेकिन तो ऐसा जुलना है मजबूरी है सर जी। नाज़िम कितने मेरा जुले हो असा नाल रहे हो होने मुड़ के आने एक बारी फिर तो सहर के दे तो सदे आपने प्रोग्राम सोना देश हजारा विच ते मैं नसरीन खलील ते मेरे को होस्ट ने जी सामा इफ्तिखार ते तुसा एक बारी फिर खुश आंदे दाहने असा नाल बड़े जबरदस्त असा दे जेड़े खवातीन प्लेयर्स असा नाल मौजूद ने जी सुमैरा साहिबा ते वरदा साहिबा असा नाल मौजूद ने दोबारा इन लाल असी हां जी अपने पूछने हैं ना कोलो जी सुमैरा साहिबा थोड़ा जा मतलब सैड असी कमर्शियल ब्रेक तो पहले जिस वेले या बड़ी दुखी गलां असा सुन कीतियां ते मेरे ख्याल विच हुण थोड़ा जा असा अपने मौजू आ तब्दील करना चाहिए, तुसी थोड़ा जा अपने पर्सनल हॉबीज दे बारे विच दसो, म्यूजिक शायरी के पसंद है तुसा? मैं शायरी भी म्यूजिक भी अलहमदुल्ला, उस तो अलावा मेरी हॉबीज जिहड़ी ने वो साइकिलिंग ते मेरा गेम्स भी है लेकिन मेरी हॉबीज भी है, फोटोग्राफी मैं कीती है काफी ज्यादा और करनी भी आ, और इस तो अलावा हॉबीज मेरी फिर उत्थे ही गल आंदी है कि मैं सोशल वर्किंग हाँ, मैं खुशी होंदी है किसी का काम करके अपना अपने काम को किसी का काम करके ज्यादा, बड़ी जबरदस्त गल है उसामा जड़ी मतलब हमेशा ऐसा कुरान विच भी ये मिलता है कि जी तुसी दुनिया उत्ते रहम करो, दुनिया वाले उत्ते रहम करो ते आसमान आला तुसा ते रहम करसी, ते अगर तुसी दुनिया दी आसानियां दे बारे विच सोचो ते फिर ते तुसी अपने गमां दे रो बेगम हो जाने, क्योंकि अल्लाह ताला उत्ते बैठे दे वो देखता है कि मेरे मखलूक वास्ते आसानी पिया तलाश करदा है ते यकीनन इस दी आसानी मैं आप करसा, ते जिस दी आसानी अल्लाह ताला करे ते मेरे ख्याल विच उसा ते दुनिया दी किसी चीज़ दी लोड़ ही नहीं। वरदा तुसा कोई पुछसा थोड़ा जा मैं दसो कि जिस तरह तुसे दसे कि तुसा दी फैमिली विच होर लोग भी है सख्ती भी करदे लेकिन हुण ते मेरे ख्याल विच माशाल्लाह हालात काफ़ी तब्दील हो गए उस हुण पहले जे जे ते नहीं रहे? जी जी हुण काफ़ी तब्दील हो गए ने, मतलब कि हुण इतना वो नहीं किया जुलता जी, मतलब लड़कियां बाहर ना मतलब कडो, मतलब बस हुण अगर किधर जुलना वे तो पुछ के नो बाबा को तो बस परमिशन मिल जुलदी है, इसका मतलब ये कि वो जड़ी इंडिपेंडेंसी है वो तुसा दे अंदर डेवलप हो गई है, हुण तुसा जिस तरह पहले तुसा दसा है कि जी नाल कोई होना चाहिए जो तुसा नाल वैसे कितनी बड़ी तब्दीली है तुसी ते हो सामा ते जी सुमैर साहब थोड़ा मैं दसो कि जिस तरह असी गल करने आ स्पोर्ट्स दे हवाले नाल ते जिम जुलना या एक्सरसाइज करनी एवं भी आखन खवातीन आस्ते बहुत जरूरी है, तुसा आस्ते कितनी? जिम दे बारे ते मैं बिल्कुल भी नहीं करनी आ कि जिम टोटली मतलब हमारे जो असन जेड़े मसल है ना
ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਨੇ ਆ ਜਿਮ ਤੇ ਮਸਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਛੋੜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਮ ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਰਜਿਸ਼ ਜਿਸਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਸਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਤਲਬ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣ ਸਨ ਉਸੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਸੀ ਚ ਅਸਾਂ ਦੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲ ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵਰਜਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋ ਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਸਭ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਵਾ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਬੰਦੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕਰ ਛੋੜਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਐਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਲੜਕੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੇਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਵਾ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਵਰਜਿਸ਼ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਟੀਨ ਛੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਜੂ ਜੁਲਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਮਾ ਮੈਂ ਇਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر حرکت آؤ پروگرام بھی چاخنا میں تو سن دا ہوسٹ اسامہ افتخار تے میرے نال میری کو ہوسٹ بیٹھے دن نسرین خلیل تے اسی اپنے سونے دے گیسٹ نال گل بات دا سلسلہ جاری کرساں دوبارہ تے نسرین آکساں میں انہاں دا کوئی ایک پوائنٹ ہے جڑے ماں بار بار آکھدے تے او اے اپنا ظاہر کرن انہاں کولو پوچھن اسامہ وردا کولو میں پوچھنی ہے پئی بریک تے جڑنے کولو پہلے کہ جی جس طرح تساں ڈائٹنگ دے حوالے نال گل کیتی ہے کہ کڑیاں بڑا خیال کرنا چاہیے ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਡਾਇਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡਾਇਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬਸ ਮੈਂ ਡਾਇਟਿੰਗ ਕਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਂ ਹਰ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਲਤ ਹੀ ਆਕਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਿਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਮਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰੋਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਤਨੇ ਰੋਗ ਐਸਾ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਨਾ ਇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਸਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਟ ਕੀ ਵੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਣ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਖੇਡ ਪਾ ਸਕਦੇ ਗਿਣ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਤਨਾ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਖਵਾਤੀਨ ਪਲੇਅਰਸ ਇਸਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਮਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੇਅਰਸ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾ ਯਕੀਨਨ ਛੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਲੇਅਰ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀ
हर चीज़ अल्लाह ताला से जड़ी बढ़ाई है उसके अंदर कोई ना कोई अफादियत मौजूद है। किसी चीज़ ना छोड़ो, हर चीज़ खाओ, लेकिन एक मुतवाजन खुराक तो सदी होनी चाहिए है। अगर तुसी अंडा खाते हो या अगर हद तो ज़्यादा खा सो तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाती तुसा, तो एक मुतवाजन खुराक अगर तुसी प्रोटीन गिनी है, कितना गोशत खाना है तुसा, मुरग का इस्तेमाल कितना करना है। अच्छा, अगर तुसी मुरग खाते हो प्रोटीन वास्ते तो कोशिश करो बहुत ज़्यादा चिकनाई करके ना करो, उसका रोस्ट खाने तो बजाय अगर उसका तुसी बॉयल करके खाते हो, उसकी जड़ी यखनी बनाते हो वो ज़्यादा तो साफ़ादी करते सी, स्मार्ट भी रह सी, ते चर्बी भी फालतूना हो सी, ते बिल्कुल तुसा प्रोटीन भी मिलती रह सी। इसी दे अलावा नाश्ता बहुत अच्छा करके चलो, जेड़े लोग के समझते हैं कि असी नाश्ता ना करते ते असी स्मार्ट रह सा, ये बिल्कुल गलत गल है। ज़्यादा तुसी अपना जेड़ा वजन गेन करते हो, क्योंकि जेड़ी तुसा दी जेड़ी बॉडी दी जेड़ी रिक्वायरमेंट होंदी है ओ उस वेले जिस पूरी होंदी है, जिस वेले त्रै टाइम जेड़े अल्लाह ताला सुन असा देते दिन, ये इस विच मसलियत है वे इना खुराक तुसी पूरी करो, उस तो बाद इना जिस वेले तुसी बर्न कर सो, फिजिकल एक्सरसाइज कर सो, तो यकीनन फिर कदे भी तुसी मोटे नहीं होने लगे। उसा ते उसामा वा तुसी देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा ख्याल रखता है अपनी खुराक दा ते रूटीन दा। फिजिकल एक्सरसाइज करते हो उसामा तुसी? नहीं तसरीन, बिल्कुल जरूरत नहीं पैंदी, जरूरत ही नहीं पैंदी। जिस तरह सुमैरा साहिबा सुनाखा है, मैं ते कदे जिम ते कोलों लंघी भी ना, ते मेरे ख्याल में तुसा ते लोड़ ही नहीं है उथे जो नहीं। अलहमदुलिल्लाह मैं अपने खुराक दा बहुत ज्यादा ख्याल रखे। एक ते अगर अंडा तुसी नहीं गिन सकदे प्लेयर खास तौर पे, वैसे भी आम रूटीन च भी गिनना चाहिए अंडा, अगर तुसी नहीं गिन सकते जिस तरह के तुसने मिस वर्दा नाल पूछा है कि प्लेयर्स वास्ते खुराक किस केड़ी चीज़ मतलब ज़्यादा जरूरी है। नाश्ते बेच मैं सिर्फ प्लेयर बची हाँ, उस तो अलावा भी जी मतलब हाउस वर्किंग ने औरत उन्हें मैं यही आखसा, नाश्ते बेच तुसी चाहे अगर ठीक है तुसी एक्सेप्ट कर सकते मैदा तो ठीक है, नहीं तो एक कप दूध का ठीक है। अंडा तुसी खास तौर पर प्लेयर बची हाँ बॉयल अंडा ठीक है, उस तो अलावा अगर तुसी पराठा वगैरह एक्सेप्ट कर दे मैदा ठीक है, नहीं तो मतलब सैंडविच वगैरह तुसी कर सकते हो ठीक है ना, ब्रेड कर सकते हो। कॉर्नफ्लावर असी लाजमी असंद आ प्लेयर्स का कॉर्नफ्लावर असी लाजमी यूज करने हैं। और ये चीज़ है दिन टाइम भले तुसी कुछ भी ना खाओ दिन टाइम, और जो लड़कियाँ डाइट्स कर दिया ने उस उन्होंने वास्ते भी कि डाइट तुसां दे बॉडी ते नहीं आता, डाइट तुसां दे मैदे ते और फेस उते आता है। डॉक्टर ने आया है कि डाइट करनी है मैंने ये खादा है सुतो के, बिल्कुल भी नहीं। सब्जियां का इस्तेमाल करो तुसी, तीन टाइम अपना खाना, तीन टाइम जो दिन टाइम तुसी खाना छोड़ दो, डाइट्स तो सब मैं दसनी है डाइट्स के भी दिन टाइम का खाना छोड़ दो। उस तो अलावा असी कोई मतलब चॉकलेट ले चाह किन्ने कोई असी मतलब किसी जगह पर पार्टी चुने कोई पेस्ट्री वगैरह समोसा लै लें कोई मतलब पकौड़ा लै लें, उस तो अलावा कुछ चीज़ें पिज्जा खा के ने हाँ जी ये चीज़ें खाने तुसी छोड़ दो, रोटी तुसी बिल्कुल छोड़ दो, नाश्ता तुसी जरूरी है और रात का खाना। क्योंकि अगर तुसी डाइट से के मैं दिन का भी छोड़ देता है नाश्ता मैंने नहीं करना, मेरा पेट का मसला है, मेरे मैदे का प्रॉब्लम है, मेरा बदन की बॉडी का किसी और हिस्से का मतलब प्रॉब्लम है, वो तुसन दे बॉडी से नहीं वो तुसन दे फेस से और मैदे से असर होंगे। इसमें अक्सर लोग जो है ना रात का खाना खा के फौरन सहबी जुड़ते हैं भागना शुरू कर दो और तीन घंटे की वाक शुरू कर दो चार घंटे की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह वे कि तुसाने वाक करनी है दो कदम चार कदम कि असाने हलक तो मैदे तक चला जुले वो बस पहुंच जुले, ये दो चार कदम दे ओ ये नहीं के जड़े ओ एवे भी बहुत काट खांदे बहुत काट दो चार कदम मेरे ख्याल विच असा जड़ा कोशिश करनी चाहिदी है अगर 100 कदम 200 कदम डॉक्टर जिस तरह होण आखते के इतना अगर तुसी करो ते और डाइट से मैं असामा भाई नाल भी इत्तेफाक कर सा के जिस तरह इन्होंने कहा है कि सारा कुछ खा के भी लड़कियां कहंदे कि असी डाइट सते हां ये भी ठीक है। लड़कियां एक तरफ ते डाइट्स दा आग चढ़ती है कि असी डाइट्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो मतलब जिस तरह तुसी रूटीन विच बहुत इतना कुछ खा रही होंदियां ने कि तीन टाइम दे कोलो भी ज्यादा 6 टाइम 6 टाइम ज्यादा खा रही होंदियां ने डाइट्स। ये चीज है मैं अलहमदुल्ला पहले तो अपना घर का सारा काम खत्म करके ठीक है ना स्कूल या कॉलेज से आनी है मैं नाश्ता उस टाइम पर करनी हाँ रूटीन ठीक है मेरी शुरू तो में कि मैं घर का काम खत्म करके नाश्ता लैनी है। नाश्ते की किन्नी है मैं एक ब्रेड चाह किन्नी हाँ और एक कप चाय का चाह किन्नी हाँ, अंडा मेरा मैं एक्सेप्ट करनी है ठीक है, गेम्स के दौरान मैं अंडा किन्नी हाँ वैसे मैं नहीं किन्नी ठीक है, ये मेरा नाश्ता है। भले सारा दिन मैं कुछ भी नहीं खादा चॉकलेट एक कोल रख के दिए
चॉकलेट मैंने, क्योंकि अपना शुगर लेवल भी ऐसा ने मेंटेन रखना होता है, चॉकलेट मैंने कोर रखी सारा दिन, मैं कुछ भी ना दो, मैं प्यास की भी कोई उदी नहीं हो लगी, अलहमदुल्ला मैं अपने आप मेंटेन रख नहीं है। डाइट इस आते ने, डाइट इस नहीं आते, चिकन खा के मतलब बर्गर खा के और पुलाव खा के भी मैं डाइट सते नहीं। ये चीज एक गल मैं करसा कि जिस तरह इन्हें सुन गल की है चॉकलेट की, इन्हों की माशाला फिजीक है जी, अगर ये चॉकलेट गिन भी तो इन्हें फर्क नहीं पड़न लगा, लेकिन मैं कुड़ियाँ खास तौर पर जो मेरे वाली गल चॉकलेट की शौकीन ने उन्होंने आसा कि तुम चॉकलेट कट करो, कोशिश करो फ्रूट जो नेचुरल फ्रूट अल्लाह ताला सुन देते हैं वो तुसी खाओ, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब सब्जियां खाओ, अच्छा सलाद का इस्तेमाल लाजमी करो, अगर दिहाड़ी बिल्कुल रोटी ना छोड़ो, रोटी खाओ थोड़ी अधी अधी खा के नो रोटी, अच्छा अगर अधी रोटी नहीं भी तुसी खाना चाहते हो सलाद का इस्तेमाल तुसी करो, इस तो अलावा जूसेस का इस्तेमाल तुसी करो, तो अगर जूसेस के अलावा नेचुरल जो फ्रूट आते हैं फल अगर तुसी किंदे हो तो मेरे ख्याल में स्मार्टनेस हमेशा रहती है। जिस तरह सवेरे साल वैसे बड़ी अच्छी गल की है कि डाइट का असर असा मैदे पर पैदा है, असा चेहरे पर पैदा है, तो अगर मेरे ख्याल में इतनी असि बाद में जुल के जो टोटके कर सा जी जवानी वास्ते खूबसूरती वास्ते, तो मेरे ख्याल में पहले अगर जरा आखते ना कि परहेज इलाज करो बेहतर है, पहले ही तुम एहतियात करके नो अपनी खुराक नाल तुम अपनी एहतियात करो, तो मेरे ख्याल में कल तुसा किसी टोटके की लोड़ ही नहीं पैनी। हाँ जी वरदा तुसा कोलों मैं पुछसा कि थोड़ा जहा मैं दसूँ कि तुसा दे जड़े इर्द गिर्द माहौल में तुसा दी फैमिली की तो ऐसा गल की है, फ्रेंड्स के हवाले नाल दसो कि होर तुसा दी फ्रेंड्स इस फील्ड में हैं? नहीं मेरी फ्रेंड्स इस फील्ड में नहीं, लेकिन कॉलेज लेवल तक असी ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਫਰੈਂਡਸ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬਾ ਸੋਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੈਪ ਇਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸੁਣ ਤੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜੁਲਦਾ, ਇਤਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜੁਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੁਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਏਜ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨ ਕਿਤੇ ਇਤਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬੁੱਕ ਕਰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਾ ਜੁਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੜਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿਆਦਾ ਪੜਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਸਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਆ ਸੁਣਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਆ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਸਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਈਆ ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਡੋਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜਾ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਡੋਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜਾ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਡੋਲਾ ਐਫਟਬਾਦ ਨੂੰ ਰਾ ਜਾਂਦਾ ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਐਫਟਬਾਦ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਗਮ ਸਜਣਾ ਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾ ਬਣਦਾ ਗਮ ਸਜਣਾ ਦਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਮੈਂ ਸੀਵਾਂ ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜੀਵੇ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਜੀਵੇ
तेरी आस ते मैं जीवा। जबरदस्त बहुत खूब जबरदस्त यकीनन जेडे असा दे कॉलर है सऊदी अरब तो ना बहुत अच्छा लगे उसी ऐसा भी बहुत अच्छा लगे तुसी मुस्कुराए हो माइये दे विच कोई खास गल ही उसकी थोड़ा जा दसो एक ते माइया पूरा पूरा मेरे दे सूट पे करदा है लास्ट वाला अच्छा अच्छा और दूसरा माइये मां बहुत ज्यादा अच्छे लगते अच्छा दसो किस तरह तो सही किस तरह सूट करदा ओ लास्ट वाला माइया के आया मैं गमा वाला आया ना दुख वाला आया ना दुनिया तो तू जीवे तेरी आस ते मैं जीवा, मैं जीवा। अच्छा कोई ना जो पुरानी यादा हो सुनना काफी ज्यादा मैं आके ना के इंसान दे बहुत ज्यादा होने जरूरी नहीं कि लव मैरिज लव विच ही बंदा होवे मेरी मदर ने मेरा भतीजा है मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है अल्लाह उसकी जिंदगी करे मैं दोस्त सौण ना समझदी वरदा भी ये शिकायत है दोस्ती तो ही ये हुण जिहड़ी तुसां ने गल कीती है कि दोस्त लड़की लड़के ही नहीं लड़की लड़की नाल भी बेवफाई कर सकती है और मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस विच कहनी है कि दोस्ती जब एक बंदा सिंसियर है दूसरे भी होना चाहिए मैं बहुत ज़्यादा उस नाल प्यार किया है उसने भी मेरे नाल किया है मैं उसका बहुत ज़्यादा साथ दिता हर एंगल ही दिता है लेकिन एंड उत्ते आके उस लड़की ने लड़की दे करके मेरा साथ छोड़ दिता है उस तो मैं दोस्ती के खिलाफ हुई थी दोस्ती मैं ना किसी की एक्सेप्ट होने करनी है ना किसी ना किसी मशवरा देनी है कि दोस्ती करो नाजरीन इतने तो मैं यही आखना चाहता कि पांच उंगलियां बराबर नहीं होती हैं तो सारे लोग भी ये जे नहीं होते क्योंकि अगर जिस धड़े दुनिया में कोई भी अच्छा बंदा नहीं रहा तो मैं पढ़ा है किसी जगह से तो उस धड़े दुनिया का जो वजूद है वो खत्म हो गया अच्छा जिस तरह तुसा माइये की गल तुसा की है कि तुसा अच्छा लगे तुसा के लगता है वरदा नहीं है वरदा का हम टाइम हो मतलब ये टाइम पीरियड इस गेम से आने का और साल एक हो गया वरदा इस फील्ड आई है और मैं माशाल्लाह काफ़ी टाइम तो हाँ वरदा का पहला ट्रिप जरा मेरे नाल आया नौशहरा नौशहरा दे विच गए असी और असी बच्चियां जिस टाइम ते खड़ने होंने गेम्स वास्ते ते बच्चियां दा हर तरह का ख्याल रखना पैंदा असां हर तरह मतलब वो असां दी जिम्मेदारी होंदी है बहुत ज़्यादा मावां भी ये है वे कि असां दी बच्ची जुलसी खराब हो जुलसी बच्ची दा ये हो जुलसी लेकिन नहीं वो चीज़ है कि असां अपनी जिम्मेदारी विच खड़ने हैं और जिम्मेदारी जाने बच्चियां दा मैं हर तरह ख्याल रखदी जिस तरह उसामा भाई असां माइये पे सुनांदे ने गाने गाते ने इस तरह की हर एक चीज़ असी अपनी टीम के अंदर गेम तो बाद असी रखने हैं और बच्चियों की फरमाइश होंगी है कि असा शॉपिंग करनी है जी जी। अगर अफोर्ड कर सकदियां होंदियां ने फिर असी अपने मतलब टीचर्स को अपने सर को इजाजत करके इन बच्चियां शॉपिंग वास्ते खड़ने और ये वरदा का पहला मेरे नाल ट्रिप आया खुशी दे विच आके मां नहीं पता या दोस्ती दे विच आके प्यार दे विच आके वरदा गई है मेरे नाल मुशायरा शॉपिंग से पूरी टीम गई है अच्छा। और वरदा एक भी नहीं मेरे ख्याल तीन सूट एक जैसे चाके दे जी जबरदस्त अच्छा समारत तुसन कोलो मैं एक पूछा कि जिस तरह तुसन एकेडमी दा जिक्र कीता कि तुसी आगे एकेडमी बनाना चाह रहे हो खोलना चाह रहे हो औरतों वास्ते खवातीन वास्ते उस तक थोड़ा बहुत असा ते साडे नाज़रीन बहुत ज्यादा बचिया हुआ है कि गवर्नमेंट असा वास्ते कुछ नहीं करदी पई या फिर मतलब असी लोग उन्होंने वास्ते कुछ नहीं कर रहे हैं जो सीनियर प्लेयर हाँ लेकिन पिछले तीन साल तो यूसुफ अयूब खान और अकबर अयूब साहब ने माँ आके दे कि सुमैरा अकैडमी की फंडिंग असी करने हैं तुसी अकैडमी स्टार्ट करो मेरे नाल मिस आयशा बतूल ने सराय सला कॉलेज की डी पी ने वो भी मेरे नाल इस अकैडमी दे विच ने वरदा आ गई है बहुत ज़्यादा लड़कियाँ आ गई ने और इस वास्ते एक मतलब ग्रुप होना चाहिए ना लड़कियों का मैं कली कुछ नहीं कर सकनी हाँ ठीक है ना मैं इस वास्ते मिनिस्टर साहब मतलब मिनिस्टर साहब की मीटिंग हुई है उन्होंने की असल अहमद जमान साहब ने बहुत ज्यादा असल तावन कर रहे हैं असल स्पोर्ट्स ने और इंशाल्लाह मैं अकैडमी का बच्चियों का भी है वे कि अकैडमी करो बहुत ज्यादा आना चाहिए ने इस फील्ड और इस वास्ते होनी चाहिए एक अकैडमी
कि असी अगर हुण मैं कोई मैच करवानी है किसी जगह का मैं मेन्यू करनी है तो स्कूल कॉलेज वाले सोच पै जुड़े ने कि असं बची की स्टडी बच्चियों की स्टडी ते आंदा है हर पाँद हर जाता है ये होंगे वो आंदा है। इस वास्ते मैं मिनिस्टर साहब भी आए कि एक अकैडमी होनी चाहिए कि असं आए दिन मैच करवाने होंगे ने पहले मेल के हम फीमेल के भी असं करवाने पे इनशाला अकैडमी का इफ्तिता असी मुहर्रम तो बाद मिनिस्टर साहब यूसुफ अयूब साहब खुद आ रहे हैं तुम कामयाब करे इस मकसद बीच ते नसरीन तुसी दसो तुसी आज केजा फील कर दो तुसा नाल दो खवातीन और भी बैठी दियां जिस तरह खवातीन एक नाल बैठ जंदे बस उस तो बाद फिर उन्हां दियां गलां खत्म नहीं होंदियां इस तो आज तुसी केजा फील कर दो मां बहुत ज्यादा अच्छा पया लगदा ते जिस वेले भी खवातीन दी एम्पावरमेंट दे हवाले नाल गल हुंदी है या खवातीन जे इस तरह दी टैलेंटेड खवातीन मैदान विच आंदियां ते यकीन करो असा दा जिहड़ा सर है वह भी फखर नाल उचा हो जाता है कि जी असल जी पाकिस्तान की खवातीन ने वो किसी को भी घट नहीं हमेशा मैं एक गल करनी है कि पाकिस्तान की तकरीबन 53% आबादी खवातीन ते आवे ते अगर असं ये आखा कि इतना बड़ा हिस्सा वो एक पासे रहे तो उस तो बाद खाली जड़े मर्द ने उन्होंने अगर पाकिस्तान की तरक्की हो सी तो यह कदें मुमकिन नहीं हो सकता तो अल्लाह ताला सुन आप जड़ा खवातीन इजाजत दी है कुरान असा इजाजत देता है कि तुम समाजी कमां विच मर्द के शामा बशाना आखते हो कुरान विच वाजे मौजूद ने कि मोमन मर्द तो औरतें एक दुए दियाँ मददगार ने एक दुए नाल मदद कर दें तो सभी कोशिश करनी चाहिए है कि सपोर्ट करो अपने खवातीन अपनी बच्चिया वा उन्होंने तालीम और तरबियत आ क्योंकि जिस वे असं तालीम की गल करने तो एक मर्द की जी तालीम होंगी वो खाली है कि फर्द की तालीम होंगी है लेकिन एक औरत की जी तालीम होंगी वो पूरे खानदान की तालीम होंगी है तो औरत एक यूनिवर्सिटी है तो माँ जी यूनिवर्सिटी है जिस वे उतों बच्चा अपनी तरबियत आगाज कर सी तो यकीन जी शख्सियत बन सी वो कला जुल के दुनिया वा फैजयाब कर सी ते प्रोग्राम का वेला बहुत ज़्यादा शॉर्ट रह गया उसामा लेकिन यही कर सा कि दिल तो नहीं आता जुलने का लेकिन फिर भी सभी रवायत हूँ जुलने हैं लेकिन पहले जुलने को पहले एक मैसेज के इंसा तुसा को जी वरदा तुसी कोई मैसेज अगर दे सो किसी वास्ते अपनी फ्रेंड्स वास्ते जितनी वास्ते अपनी बेवफा फ्रेंड्स वास्ते नहीं नहीं बेवफा है तुसी ना को अच्छा कितना प्यार है उसामा है ना उन थोड़ी देर पहले तेना सुनना दी गल ही नहीं कीती ना अच्छा थोड़ा मतलब पहले ये दसो कि केटू टीवी विच तुसी आए हो अजे दा प्रोग्राम तुसा किस तरह लगे तुसी ते आखते हो कि डेढ़ घंटा किस तरह गुजरती पहले तुसी ये दसो इत्थे आके केजा लगे किस तरह गुजर गया तुसा दा वेला पता ही नहीं चला इतनी जल्दी टाइम गुजर गया ते बड़ा अच्छा लगे केटू टीवी ते आके तुसा नाल गलबात करके इतना ज्यादा असां इक वैल्यू दित्ती है सारा पता चले औरतां दी की वैल्यू है समाज दे विच ते मेरे ख्याल नाल सारा मां अपने बेटियां ते अपनिया भैन से मावं से इतबार करना चाहिए ते एक औरत अपने मकाम से ता ही पहुँच सकती है जो उस उत्ते इतबार किया जुलसी तो इतबार करो अपन बेटिया से उन्ना हर फील्ड अगे होने की इजाजत दो ते इस वजह से ये लड़की अगे अपना कोई मकाम हासिल कर सकती है माशरे विच हजारे विच जड़ा आया जिस तरह तुसी आते हो कि कुड़ियां मौका मिलना चाहिए खास तौर पर जी हजारे विच जिस तरह केचू टीवी असा लॉन्च किया है आया तुसा किस तरह लगता है किस तरह है एकदम असा दा खास तौर पे कुड़ियां आते जेडे नवे टैलेंट है तुसी इथे बैठे दे हो एक वेला आया तुसी आते हो कि तुसा दे घरे वाले तुसा किधर जुलने नहीं देने आज तुसी इथे बैठे दे हो क्यों कि तुसा दे आपड़े घर तुसा दे आपड़े स्टेशन विच फैमिली चैनल मौजूद है ते तुसी के समझदे हो कितना जरूरी है मेरे ख्याल में तो जरूरी है एक लड़की है मतलब परमिशन मिलनी चाहिए उस बार आने की उस अपनी गलबात करनी दी उस की होया कि नहीं अपनी सारी ट्रेजेडी दसने की दुनिया वा ता जो दुनिया अगे मतलब अपने हस्ते सही अच्छा सोच सके ते अच्छा कर सके ते केटू टीवी ने एक बड़ा मूँह अच्छा किया जो उन्होंने शो होया तो मैं बड़ा अच्छा सा लगा कि उसने बुला के इतना सारा कुछ मतलब सारा पता चला वे की चीज़ है औरत औरत किस तरह का मुकाम देना चाहिए ते मैं तो बस यही आख सा जो औरत तुसी एक अच्छा मकाम दो तुसी इत्तबार करो उसे सपोर्ट करो हर काम में उसे अगे आन दो ते इस वास्ते मैं पेरेंट्स से गल आसा कि तुसी इत्तबार जरूर दियो ते कुड़ियां आसा ते उस इत्तबार कायम भी रहो यही सवाल मैं तुसा कोलों पुछसा समैरा साहिबा कि केटू दा जिहड़ा आवाज है हजारा विच ऐसा तुसी किस तरह देखते हो माशाल्लाह केटू ते बहुत अच्छा आगाज किते और ये चीज़ होनी चाहिए कि हजारा इत्तबार दे विच मतलब चैनल दी आई चैनल नहीं आया और बहुत अच्छा किया है कि तुसा ने चैनल इत्थे किते बहुत सारे इस दा मतलब फायदा असा बहुत ज्यादा है क्योंकि गेम्स वाले असी जदों गेम करवाने असी पिंडी इस्लामाबाद तो मतलब करने आ
एक्सप्रेस वाले दुनिया चैनल वाले नु करने हैं असं अपने घर दे विच मिल गई ये चीज ठीक है ना बहुत अच्छा है और लड़कियां की गल है कि माँ बाप अपने बच्चियां ते एतबार करो वो ता ही हो सकता है कि बच्चियां अपने पेरेंट्स से एतबार दो बिल्कुल अच्छा जिस तरह देखो कि केटू सोने अपनी जिहड़ी साड़ी इलाकाई जुबान है उसको भी काफी फरोग देते काफी बहुत ज्यादा कि मतलब असी अपनी जुबान तिना अपना देश अपनी जुबान नू कदे भी पिछे नहीं छोड़ना चाहिए और केटू चैनल ने बहुत अच्छा किया कि इनको जुबान विच बहुत शुक्रिया अपना किया तुसी के मैसेज देसो जी मेरा जो शॉर्ट जो मैसेज होसी वो ये होसी कि द साइज ऑफ योर ऑडियंस डजंट मैटर ऑलवेज कीप अप द गुड वर्क हमेशा अच्छे काम करसो ते अपनी ऑडियंस जी तुसा ने कटे ज्यादा है उस दा ख्याल ना करो ते हम खुशी जेड़ी है हमेशा तुसा नाल आप नाल शुरू होंदी है तुसा आप नाल शुरू होंदी है ते किसी रिलेशन नाल नहीं ते आप खुश रहो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होसी जी नाजीन तुसा दे सोहने सोहने मैसेजेस सुने ते इसे नाल प्रोग्राम दा इख्तिताम करसा ते इंशाल्लाह होसी कल तुसा नाल मुलाकात तां तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो उन वास्ते जिन्हां दा तुसी ख्याल रखना चाहंदे हो ते खुश रहो उन वास्ते जिहड़े लोग तुसा खुश देखना चाहंदे ने इसे दे नाल नसरीन खलीला ते उसामा इफ्तिखार दे इजाजत पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तानी पाइंदाबाद अल्लाह निगेबान।